दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आफ्टर अर्थ। ये तब की बात है जब हमारी पृथ्वी रहने लायक नहीं बची थी, क्योंकि हम इंसानों ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था और पूरी मानव जाति खत्म होने के कगार पे आ गई थी। लेकिन तब मानव जाति को बचाने के लिए रेंजर्स की एक टीम को तैयार किया गया, जिन्होंने हजार साल पहले धरती की सारी मानव जाति को नए ग्रह पे बसा लिया था और इस ग्रह का नाम होता है नोवा प्राइम। रेंजर्स किसी तरह सारी मानव जाति को दूसरे ग्रह पे बसा तो लेते हैं, लेकिन उस ग्रह पे भी एलियंस उन पे अटैक कर देते हैं। दरअसल ये अटैक एलियंस खुद नहीं करते, बल्कि बड़े बड़े खतरनाक जानवरों को इस ग्रह पे छोड़ देते हैं और इन खतरनाक जानवरों का नाम होता है अरसा। ये खतरनाक जीव इंसानों की मौत बनकर इस ग्रह पे तबाही मचाने लगते हैं और अब फिर से एक बार मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो चुका है। लेकिन इन खतरनाक जानवरों की एक कमजोरी होती है कि इनकी आंखें नहीं होती, जिस वजह से ये कुछ भी देख नहीं सकते थे। लेकिन बावजूद इसके ये इंसानों के लिए खतरा होते, क्योंकि ये इंसानों को उनके डर से सूंघ लेते थे और फिर उन्हें मार देते। ये इंसानों को उनके पसीने की बदबू से पहचान लेते। जब भी कोई इंसान डरता तो उसका पसीना निकलता और फिर ये सूंघकर उसे मार देते। और अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दोबारा से मानव जाति खत्म होने के कगार पे आ चुकी है और अब फिर से अब एक बार दोबारा रेंजर्स की जिम्मेदारी है कि वो मानव जाति को बचा ले, क्योंकि हजार साल पहले भी मानव जाति को रेंजर्स ने ही बचाया था। जिसके बाद अब रेंजर्स और इन खूंखार अरसास के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध में अरसास हम इंसानों पे भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रेंजर्स के मन में भी इतने बड़े खतरनाक जीवों को लेकर डर रहता है और यही वजह है कि वो अरसाज हम इंसानों पे भारी पड़ते हैं, क्योंकि वो रेंजर्स को उनके पसीने की बदबू से पहचान लेते और फिर उन्हें मार देते। लेकिन इस भयंकर युद्ध में एक रेंजर सामने आता है जो कि अकेले ही सारे अरसाज पे भारी पड़ जाता है और इस रेंजर का नाम होता है साइफर रेज। साइफर रेज को इस ग्रह का पहला अदृश्य इंसान कहा जाता है, क्योंकि ये अरसाज को दिखते ही नहीं थे और इसी वजह से ये अकेले ही कई अरसाज को मार देते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी ये लड़ता है तो ये बिल्कुल बेखौफ होकर लड़ता है, जिसके कारण इसे बिल्कुल भी पसीना नहीं आता और अरसास को ये दिखता ही नहीं था। क्योंकि अगर हम डर गए तो हमें पसीना आएगा और अगर हमें पसीना आया तो ये अरसा हमें मार देंगे। और अब सारे रेंजर्स को इनकी कमजोरी का पता चल जाता है, जिसकी वजह से हम इंसानों की इस युद्ध में जीत हो जाती है। लेकिन फिर भी कई अरसास बच जाते हैं जिन्हें अभी खत्म करना बाकी होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि साइफर रेज का बेटा किटाई भी अपने ही पापा की तरह रेंजर बनना चाहता है, क्योंकि उसके पिता की एक बहुत बड़ी छवि होती है और वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहता है। रेंजर बनने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और इसके लिए वो ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद जब उसका रेंजर बनने के लिए टेस्ट किया जाता है तो वो रिटर्न एग्जाम में काफी इम्प्रेसिव मार्क्स भी लाता है, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता और इसका कारण होता है कि उसकी खुद की बहन को एक अरसा ने उसके सामने ही मारा था। हालांकि तब वो बिल्कुल छोटा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन का मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि उसकी बहन उसे अरसा से बचाने के मकसद से मारी गई थी और तब किटाई कुछ भी नहीं कर पाया था। और यही वजह है कि आज भी उसके दिल में अरसा का डर बैठा हुआ है, जिस वजह से वो फिजिकल एक्टिविटी में बुरी तरह फेल हो जाता है और इसी वजह से उसे रेंजर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसके बाद रात को किटाई अपने परिवार के साथ जब डिनर टेबल पे होता है तो वो बताता है कि वो रेंजर नहीं बन पाया और ये सुन उसके पिता नाखुश हो जाते हैं। दरअसल साइफर रेज अपने बेटे से हमेशा नाखुश रहते, जिस वजह से किटाई हमेशा निराश रहता, क्योंकि उसके पिता कभी भी उसे एक पिता की तरह ट्रीट नहीं करते थे। हालांकि साइफर रेज भी चाहता है कि उसका बेटा किटाई रेंजर बने, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। साइफर रेज अपनी पत्नी को बताता है कि उसका एफिटोज का आखिरी दौरा बाकी है और फिर इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा और कल ही उसे ट्रेनिंग को सुपरवाइज करने जाना होगा। किटाई भी अपने पिता के साथ इस मिशन में जाना चाहता है, लेकिन उसके पिता साइफर रेज उसे मना कर देता है। जिसके बाद उसकी पत्नी उसे समझाती है कि उसके बेटे किटाई को एक कमांडिंग ऑफिसर की जरूरत नहीं, बल्कि एक पिता की जरूरत है। वो हर काम को दिल से करता है और तुम्हें उसकी मेहनत को देखने की जरूरत है। इसके बाद साइफर रेज अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और अब ये सारे रेंजर्स एफिटोज के लिए निकल जाते हैं। और जब ये रास्ते में होते हैं तभी इनका स्पेसशिप उल्कापिंड के तूफान में फंस जाता है और इस स्पेसशिप में एक अरसा भी होता है जिसे ट्रेनिंग के लिए वहाँ ले जाया जा रहा होता है। अब चूंकि इनका स्पेसशिप उल्कापिंड के तूफान में फंस जाता है तो साइफर रेज स्पेसशिप को लासिया ग्रह की तरफ मोड़ने को कहता है, लेकिन उसके लिए भी इन्हें पहले इस तूफान से बचना होगा। जब ये तूफान से बचने की कोशिश करते हैं तो इनके स्पेसशिप को काफी नुकसान पहुंचता है और साथ ही इनके इंजन में भी खराबी आ जाती है, जिस वजह से इनका स्पेसशिप अनियंत्रित तरीके से एक ग्रह की ग्रेविटी में खिंच जाता है
और जैसे ही उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो इनके स्पेसशिप के दो टुकड़े हो जाते हैं, और जब इनका स्पेसशिप उस ग्रह में क्रैश हो जाता है तो उसमें मौजूद सारे मेंबर्स मारे जाते हैं सिवाय किटाई और उसके पिता के। लेकिन उसके पिता सैफरेज बुरी तरह जख्मी हो गए हैं और उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है, जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकते। सैफरेज अपने बेटे से वो बीकन लाने को कहते हैं जिससे ये इस प्लेनेट के बाहर सिग्नल को भेज सकते हैं। लेकिन जब किटाई बीकन लेने जाता है तो वो देखता है कि बीकन पूरी तरह टूट गया है, और अब इस बात से सैफरेज बहुत निराश हो जाता है क्योंकि अगर इन्होंने सिग्नल नहीं भेजा तो कोई भी इन्हें नोवा प्राइम से बचाने नहीं आएगा और इनकी इसी ग्रह पे मौत हो जाएगी। सैफरेज अपने बेटे किटाई से कहता है कि स्पेसशिप में दो बीकन थे और एक बीकन स्पेसशिप के दूसरे टुकड़े में है जिसमें अरसा भी कैद था जिसे ट्रेनिंग के लिए वहां ले जाया जा रहा था। किटाई को अब उस स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक जाना है ताकि वो उस बीकन को हासिल कर मैसेज को भेज सके। लेकिन स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा उनसे 100 किलोमीटर की दूरी पर है और इस ग्रह का हर एक जीव इंसानों को मारने के लिए बना है। यहाँ पे सैफरेज अपने बेटे किटाई को बताता है कि जिस प्लेनेट में हम दोनों अभी हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारी ही पृथ्वी है जिसे हम इंसानों ने बर्बाद कर दिया था। लेकिन इंसानों के जाने के बाद ये पृथ्वी फिर से पहले जैसे हरी भरी हो गई है, लेकिन अब इंसानों को इसके एटमॉस्फेयर में सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि इंसानों को अर्थ को छोड़े हुए 1000 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, जिससे उन्हें अब उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो 1000 साल पहले इंसानों को नोवा प्राइम में करना पड़ा होगा। अब सैफरेज अपने बेटे किटाई को 6 इनहेलर्स और मेडिकिट देता है, साथ ही वो अपने बेटे किटाई को अपना हथियार भी देता है जिससे 22 तरह के अलग अलग हथियार खुल सकते हैं। इसके साथ ही किटाई के लाइफ सूट और बैकपैक में डिजिटल कैमरास लगे होते हैं जिससे सैफर उसे देख सकता है, उसे गाइड कर सकता है और उसे रास्ता बता सकता है। इसके बाद किटाई उस स्पेसशिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने निकल जाता है और सैफरेज उसे गाइड करता रहता है। अब जब वो रास्ते में होता है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है और वो उस तक पहुंचने वाली है। अब जब किटाई अपने आसपास देखता है तो उसके ठीक ऊपर एक बंदर होता है और सैफर के मना करने के बावजूद भी किटाई उस पे पत्थर मार देता है, जिसके बाद वो बंदर बाकी साथी बंदरों को भी बुला लेता है और अब किटाई के पास कोई रास्ता न होने के कारण वो भागने लगता है और सारे बंदर उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन किटाई किसी तरह उनसे बच नदी पार कर लेता है और अभी भी वो दौड़ ही रहा होता है कि तभी उसके पिता उसे कहते हैं कि उन बंदरों ने अब पीछा करना छोड़ दिया तो वो रुक जाए। लेकिन किटाई बहुत बुरी तरह डर चुका है जिससे अब उसके कदम थमने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन सैफरेज के डांटने के बाद वो फाइनली रुक जाता है। तभी उसके पिता सैफर उसे बताता है कि उसके खून में तेजी से बदलाव हो रहा है और किटाई भी कहता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। सैफर उसे कहता है कि वो अपनी बॉडी का निरीक्षण करे, और जब किटाई अपनी बॉडी को देखता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक कीड़ा होता है और इसी की वजह से किटाई को चक्कर आ रहे हैं। किटाई जल्दी से उस कीड़े को हटाता है, लेकिन अब तक इस कीड़े का जहर किटाई के पूरे शरीर में फैल चुका है जिससे किटाई को दिखना बंद हो जाता है और साथ ही उसकी आधी बॉडी भी पैरालाइज हो जाती है। अब उसके पिता सैफर उसे कहता है कि वो मेडिकिट से पॉइजन का एंटीडॉट इंजेक्शन निकाल अपने हार्ट पे लगाए, लेकिन किटाई की पूरी बॉडी पैरालाइज हो रही है इसीलिए वो अपने हार्ट पे इंजेक्शन भी नहीं लगा पाता। जिसके बाद सैफरेज उसे कहता है कि वो इंजेक्शन को दिल पे लगा नीचे जमीन पर गिर जाए ताकि इंजेक्शन लग जाए, और किटाई यही करता है। अब कुछ घंटे बाद किटाई फिर से ठीक हो जाता है। किटाई को आगे की यात्रा जारी रखने के लिए सैफर उसे इनहेलर लेने को कहता है, और जब किटाई अपनी मेडिकिट को खोलता है तो वो देखता है कि 2 इनहेलर टूट चुके हैं। सैफर उसे पूछता है कि अब कितने इनहेलर बाकी हैं, तो वो अपने पिता से झूठ बोल देता है कि अभी 4 इनहेलर बाकी है। लेकिन जब वो झूठ बोलता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है जिससे सैफर को उस पे शक होने लगता है, लेकिन बावजूद इसके किटाई अपने आगे की यात्रा जारी रखता है। इसी बीच सैफर रेज को दिखाया जाता है जिसके दोनों पैर टूट चुके हैं, वह दर्द से करा रहा होता है और वो पेन किलर्स लेना चाह रहा है, लेकिन वो पेन किलर्स ले नहीं सकता क्योंकि अगर उसने पेन किलर्स लिए तो उसे नींद आ जाएगी और फिर उसके बेटे को गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए वो पेन किलर्स को नहीं लेता और इंजेक्शन को साइड में रख लेता है। कुछ आगे जाने के बाद किटाई को एक बहुत बड़ा जलप्रपात दिखता है। अब सैफर अपने बेटे किटाई को कहता है कि वो अपना मेडिकिट दिखाए क्योंकि उसे किटाई पे शक हो रहा होता है, क्योंकि जब किटाई ने झूठ बोला तो उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। अपने पिता के कहने पे किटाई अपने पिता को मेडिकिट दिखाता है जिससे सैफरेज को पता चल जाता है कि अब बस 2 इनहेलर बाकी हैं, तो वो किटाई को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन किटाई उन्हें साफ साफ मना कर देता है और झरने से कूद जाता है। और जब वो नीचे गिर रहा होता है तभी सैफरेज उसे बताता है कि उसके पीछे कुछ आ रहा है।
और ये एक बहुत बड़ी चील होती है। इसके बाद वो चील किटाई को पकड़ लेती है और जब किटाई की आंख खुलती है तो वो खुद को उसके घोंसले में पाता है जहाँ पे उसके बच्चे भी होते हैं। तभी कुछ अजीब तरह के कैट फैमिली के जानवर इस चील के बच्चों पे हमला कर देते हैं। हालांकि किटाई उन बच्चों को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो कैट फैमिली के जानवर उस चील के सारे बच्चों को मार देते हैं और ये देख किटाई को भी दुख होता है कि वो उन्हें बचा नहीं पाया। अब जब किटाई यहाँ से आगे की यात्रा पे निकल जाता है तो वो चील भी उसका पीछा करने लगती है। इसी बीच किटाई देखता है कि उसका वो गैजेट जो उसके हाथ से अटैच था और जिससे वो अपने पिता से कम्युनिकेट कर पा रहा था वो अब गायब हो चुका है, लेकिन फिर भी वो सूझबूझ से काम लेकर अपनी यात्रा सही दिशा में जारी रखता है। आगे जब किटाई रास्ते में होता है तो वो अपने मेडिकेट में बचा आखिरी इन्हेलर भी ले लेता है। पूरा दिन यात्रा करने के बाद वो शाम को अपने लिए रहने की जगह ढूंढने लगता है, लेकिन इससे पहले वो जगह ढूंढे वो ठंड से जम जाता है और अब दिखा जाता है कि कोई चीज किटाई को खींच एक हल्के गड्ढे में रख देता है और इसके बाद वो खुद उसके ऊपर बैठ जाता है। अब जब अगले दिन सुबह होती है तो किटाई खुद को एक गहरे गड्ढे में पाता है और जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि जो चील उसका पीछा कर रही थी, जिसके बच्चों को उन कैट फैमिली के जानवरों ने मार दिया था, वो सारी रात किटाई को ठंड से बचाने के लिए अपने पंख फैलाकर किटाई को गर्मी देती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि किटाई ने उसके बच्चों को बचाने में मदद करी थी। हालांकि वो उसके बच्चों को बचाने में असफल हो गया, लेकिन वो चील उसे बचाने में कामयाब हुई। किटाई उसे इसके लिए थैंक्स कहता है, लेकिन सारी रात इस ठंड की वजह से उस चील की जान चली जाती है। लेकिन वो चील किटाई को जाते जाते एक जीवन दान के रूप में देती है और इसके बाद किटाई आगे की यात्रा जारी रखता है। कुछ आगे चलने के बाद उसे स्पेसशिप का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है और अब वो पेड़ पे चढ़ उस स्पेसशिप के दूसरे टुकड़े को भी देख लेता है। और जब वो स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है तो वो पाता है कि जिस अरसा को ये ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे थे वो अभी भी कहीं जिंदा है, क्योंकि उसका पिंजरा टूटा हुआ होता है और उसके आसपास उसकी लाश भी नहीं होती, यानी कि वो अरसा उस क्रैश लैंडिंग से भी बच गया था। और अब फिर से एक बार किटाई के मन में डर पैदा हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि क्रैश लैंडिंग में वो अरसा भी मर गया होगा। इसके बाद किटाई को उस हिस्से के कॉकपिट से इनहेलर्स और बीकन भी मिल जाता है। वो एक इनहेलर ले लेता है और बीकन से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। साथ ही उसे उस दूसरे हिस्से में वो गैजेट भी मिल जाता है जिससे वो अपने पिता से संपर्क कर सकता है। अब जब किटाई अपने पिता साइफर रेज से कांटेक्ट करता है तो वो उन्हें बताता है कि वो उस हिस्से तक पहुंच गया है और ये भी बता देता है कि अब अरसा पिंजरे से गायब हो चुका है। लेकिन सिग्नल में दिक्कत होने के कारण किटाई अपने पिता की बात नहीं सुन पाता, हालांकि किटाई की आवाज साइफर को साफ सुनाई दे रही होती है। इसके बाद किटाई उस बीकन से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर बादलों में बिजली की परत होने से सिग्नल नहीं जाता और इस बात से किटाई परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अरसा का डर भी होता है। उसके पिता उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन सिग्नल में दिक्कत होने के कारण वो अपने पिता की बात नहीं सुन पाता। लेकिन अब वो बिल्कुल शांत हो जाता है और अपने पिता की तरह ही सोचने लगता है। उसे ध्यान आता है कि उसके नॉर्थ की दिशा में एक पहाड़ है जिसकी चोटी पर चढ़कर सिग्नल को भेजने में आसानी होगी। अब वो उस पहाड़ पे चढ़ाई शुरू कर देता है, लेकिन जब वो पहाड़ में चढ़ रहा होता है तो अरसा उसको ढूंढने लगता है, क्योंकि किटाई डरा हुआ है और अरसा डर को पहचान लेता है। यहाँ पे किटाई समझ जाता है कि कुछ तो है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए वो गुफा के अंदर चले जाता है। लेकिन वो अरसा उसके डर को महसूस कर लेता है और वो भी उसी गुफा में घुस जाता है। अंदर गुफा में किटाई उस अरसा से बचने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके वो अरसा उसे ढूंढ निकालता है, क्योंकि किटाई डरा हुआ है और उसके डर की वजह से अरसा उसे ढूंढ लेता है और उस पे हमला कर देता है। किटाई किसी तरह उससे बचने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो अरसा किटाई पे लगातार वार कर रहा होता है जिससे जख्मी होकर किटाई नीचे पानी में गिर जाता है। वहीं वो अरसा उसे पानी में भी नहीं छोड़ता और वहीं उसे मारने के लिए चले जाता है। लेकिन जब किटाई पानी में गिरा तो उसके शरीर से पसीने की बदबू हट जाती है, जिससे अब अरसा को उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब किटाई पानी से बाहर आता है और बचने के लिए वो बाहर निकलने लगता है तो फिर एक और बार अरसा उसके डर को पहचान कर उस पे अटैक कर देता है, लेकिन किटाई किसी तरह उससे बच घायल होकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलकर किटाई को लगता है कि वो अरसा बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो अंदर एक बहुत गहरे गड्ढे में फंस चुका है। लेकिन किटाई को सरप्राइज देते हुए वो अरसा जख्मी हालत में गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और अब वो काफी एग्रेसिव होता है। लेकिन अब किटाई के पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं है और अब किटाई के मन में भागने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि उसे अपनी बहन के साथ बिताए पल याद आ रहे होते हैं जब एक अरसा ने उसकी बहन को उसके सामने ही मारा था।
और ये सब पल याद कर अब किटाई के मन में उस अरसा को लेके बदले की भावना पैदा हो जाती है। तो वही अब किटाई काफी गुस्से में होता है, जिसके बाद किटाई उसी हथियार को तैयार करता है जो कि उसके पिता ने उसे दिया था। इसके बाद किटाई उस अरसा पे अटैक कर देता है और अब तक जो अरसा किटाई की मौत बनकर आया था वही अरसा बुरी तरह लहूलुहान हो चुका है। वही किटाई के मन में अब डर नहीं बल्कि उस अरसा को लेके बदले की भावना है, तो अब वो अरसा उसे महसूस भी नहीं कर पाता। और इसी बात का फायदा उठा किटाई एक के बाद एक वार कर उस अरसा को बुरी तरह मार देता है, जिसके बाद वो बीकन से सिग्नल भेजने में भी कामयाब होता है। वही किटाई के पिता उसकी बहादुरी को देख काफी खुश होते हैं, लेकिन उनको इस बात का रिग्रेट होता है कि उसने कभी भी अपने बेटे की प्रतिभा को नहीं पहचाना और हमेशा उसे एक पिता की बजाय एक कमांडर की तरह ट्रीट किया। बाद में किटाई अपने पिता के पास वापस आ जाता है तो वही उसके पिता उसे देख काफी खुश होते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि वो उसकी प्रतिभा को कभी पहचान नहीं पाया। वही वो किटाई को उसकी ब्रेवरी के लिए काफी अप्रिशिएट करता है। और इसी के साथ मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि नोवा प्राइम से कुछ रेंजर्स इनकी मदद करने आ चुके हैं और वो इन दोनों को यहाँ से लेकर अपने नोवा प्राइम ग्रह पे ले जाते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।